नमस्ते दोस्तों, वर्णम होम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो सौंदेश रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैं पहले घर पे छेना बना ली हूँ। अगर आप चाहें तो बाज़ार का खरीदा हुआ छेना का भी यूज़ कर सकते हैं। छेना का मैं अच्छी तरह से पानी को छान ली और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ। अब एक कढ़ाई को मैं गर्म होने के लिए बैठाई, उसमें मैं 1 टीस्पून घी का यूज़ कर रही हूँ। घी देने के बाद इसमें मैं मैश किया हुआ छेना को दे दूंगी। यहाँ मेरा 1 कप छेना है और उसी के नाप अनुसार मैं यहाँ पे 1 कप आम का पेस्ट, यानी मैं आम का पल्प को निकाल के मिक्सी में अच्छी तरह से पेस्ट बना ली थी। अब 1 कप पल्प को देके मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कुछ दिन मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार दें, क्योंकि आम मीठा के ऊपर आपका चीनी डिपेंड करता है और आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते देखिएगा कि इसका आप जो पानी है वो सूखने लगा है, कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कढ़ाई से छूटने लगेगा, यानी ये अब सौंदेश बनाने के लिए पूरा तैयार हो गया है। जब भी इसको पकाए एक बात का ध्यान रखें कि धीमी आंच में पकाए, बहुत तेज आंच ना करें, नहीं तो फिर ये नीचे से पकड़ लेगा। अब गैस को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ अब मैं आम का मीठा सॉस बना रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1 कप आम का पल्प दी और इसको अच्छी तरह से मैं चलाते रहूँगी। जब अब पल्प थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, कलर चेंज होने लगेगा, उस समय मैं इसमें 2 टीस्पून चीनी दे रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। कुछ देर में ही देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत गाढ़ा रंग का हो जाएगा। मैं वहाँ पे छेना में भी चीनी का यूज़ की हूँ, इसलिए यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आम का मीठा सॉस बन के तैयार है। अब सौंदेश जो हमने बनाए थे उसको मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ और इसको अच्छी तरह से पहले यहाँ पे मैश कर लेंगे, ताकि जब इससे मैं छोटे छोटे इसका आकार दूँ तो वो बहुत ही देखने में चिकना लगे। अब इससे मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी और बॉल बनाने के बाद अब इसको कोई भी आकार, जो आपका पसंदीदा जो शेप आप बनाना चाहते हैं उस तरह से शेप बनाएं, और बीच में ताकि आप सॉस को दे सकें इस तरह से आप उसको एक आकार दें। जैसे मैं यहाँ पे इससे फूल बना रही हूँ, इस तरह से छोटे छोटे गोले का मैं फूल बना लूँगी। अब इसके बीच में मैं आम के सॉस को दूँगी। तो आप अपने जो भी आपको शेप पसंद है आप उस तरह से इसका शेप दें। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे बीच में दे दी, ये जो बीच में खाली जगह है इसको अच्छी तरह से पूरा फिल कर दी। तो ये आपका आम का सौंदेश बनके तैयार है। इस तरह से आप एक बार अगर घर पे सौंदेश बना लेंगे तो उसके बाद आप दुकान से खरीद कर सौंदेश खाना भूल जाएंगे। तो इसके पहले भी मैं कई तरह के आम के स्वीट रेसिपी, यानी मैंगो स्वीट रेसिपी मैं शेयर की हूँ, तो आप मेरे वीडियो पे जाकर चेक करें। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।